सिंगरौली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को हरी झंडी दिखा दी। स्वरई में तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं को चरण पादुका योजना के तहत सौगात दी। इसके अलावा रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना का सीएम शिवराज ने शुभारंभ किया। सिंगरौली में सीएम ने संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा 53,000 गांव से होकर गुजरेगी और हर गांव से मिट्टी और जल लेकर 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी। सागर में 12 अगस्त को पीएम मोदी संत रविदास मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम ने संत रविदास को याद किया और भव्य मंदिर निर्माण की बात कही। ये यात्राएं जा रही है गाँव, समरसता यात्राएं, ये गाँव गाँव जाएंगी, अलग जगाएंगी, जागरण का मंत्र फूकेंगी। ये शांति, स्नेह, सद्भाव, प्रेम और आत्मीयता का प्रकटीकरण करते हुए ये यात्राएं सागर मंदिर निर्माण के स्थान पर पहुंचेगी। इस कार्यक्रम के बाद सीएम सिंगरौली के सरई पहुंचे। उन्होंने रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया, साथ ही तेंदू पत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को योजना का लाभ दिया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि गरीबों की सेवा भगवान की सेवा है। मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब ही भगवान है। जो दीन है, दुखी है, जो गरीब है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, अगर उनकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। गरीब से बड़ा भगवान और कोई नहीं। सीएम ने बैगा जनजाति को अति पिछड़ा जनजाति में शामिल करने का बड़ा ऐलान भी किया। इसके साथ ही सिंगरौली को कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी।